हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार एवं बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं को बिहार की जीत पर बधाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि बिहार की जनता ने स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं भी दी। बिहार चुनावों में जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि हालांकि विपक्षी दलों ने लुभावने सब्ज बाग दिखाकर बिहार की जनता को भ्रमित करने के भरसक प्रयास किए, लेकिन बिहार की जनता ने लोकतंत्र की ताकत दुनिया को दिखाई है। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के लिए लगातार चौथी बार जीतना मुश्किल होता है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने अपने एनडीए सहयोगी के साथ इस मुकाम को हासिल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार की जनता को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली एनडीए की सरकार को फिर से सत्ता में वापस लाई है। बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया कि वे आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी एवं देश और सुदृढ़ हो और भारत को विश्व गुरु बनाए, यही उनकी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को, एनडीए के सभी लीडर्स को, कार्यकर्ताओं को इस शानदार विजय पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चौथी बार लगातार चुनाव जीतना और सरकार बनाना अपने आप में एक चमत्कार है। बिहार के मतदाताओं का धन्यवाद। कई तरह के दुष्प्रचार हुए, कई तरह की गलतफहमियां फैलाई गई, लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी से काम किया और एक स्थायी अच्छी सरकार चुनी है। नीतीश जी को और उनके साथियों को शुभकामनाएं। बिहार की जनता को धन्यवाद। उनको भी दिवाली मुबारक।